ये पूरा देश है, भारत देश है, अब विभिन्न जो धर्म के लोग हैं सब लोग हैं इस देश में, कोई मतलब है? अगर कोई करना चाहता है तो सब उल्टा पुल्टा काम करना चाहता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। भारत देश को, हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाना असंभव है, ये हो ही नहीं सकता है। याद है जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी, कर्पूरी ठाकुर के विचारधाराओं पर चलने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आज जब कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने पहुंचे, तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रद्धासुमन अर्पित किया है। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि है, नीतीश कुमार श्रद्धासुमन अर्पित करने पहुंचे थे, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी साथ में थे, साथ में बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री कई मौजूद थे, अशोक चौधरी हो, इसराइल मंसूरी हो, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी हो, बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर हो, तमाम लोगों ने एक करके श्रद्धासुमन अर्पित किया है। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर देखिए आज खूब विवाद हुआ। नीतीश कुमार ने एक तरफ जहां अपने विरोधियों का जवाब दिया है, वो तो आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा, यानी कि मिशन 2024 को जब महागठबंधन ने शुरू कर दिया है, 25 फरवरी को रैली भी होनी है, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाना असंभव है, क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जरा सुनिए। 24 के चुनाव से पहले बात हो रही है हिंदू राष्ट्र की, 24 के चुनाव से पहले संभव है जी? ये पूरा देश है, भारत देश है, अब विभिन्न जो धर्म के लोग हैं सब लोग हैं इस देश में, कोई मतलब है? इस देश के बारे में कोई कुछ बोलेगा उसका कोई वैल्यू है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को छोड़ करके किसी के बारे में किसी की बात को सुनना नहीं चाहिए। अगर कोई करना चाहता है तो सब उल्टा पुल्टा काम करना चाहता है, देश को खत्म करना चाह रहा है, इसलिए संभव ही नहीं है। जो भी देश है आ किस तरह से उन्होंने सबको बताया और अंत में उनकी हत्या तक कर दिया, तो आप सोच लीजिए, और किस तरह से समूचा सब कुछ किया गया है। और हम लोग तो भाई उन्हीं के द्वारा किए गए बातों को ही लेकर के हम लोग सब काम को आगे बढ़ाते हैं। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी भी क्या काम कर रहे थे, या जितने लोग नेता थे कौन क्या कर, सब लोगों को मालूम था। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि उनके द्वारा जो देश के बारे में कहा गया है उसी पर ध्यान रखना चाहिए। अब बाकी लोगों को अभी मौका मिला है तो कौन क्या क्या बोलता है, अब चलिए अब इस चुनौवा के बाद जो जनता फैसला लेगी उसके बाद है ना सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक ठीक। तो अपने विरोधियों पर कैसे तंज कसा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, आपने सुना है आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की इस पुण्यतिथि के अवसर पर उन्होंने श्रद्धासुमन अर्पित किया है, साथ ही साथ नीतीश कुमार ने हिंदू राष्ट्र बनाने वाली बात पर खूब तंज कसा है। और याद है महात्मा गांधी की हत्या किसने कर दी थी, महात्मा गांधी को नाथुराम गोडसे ने मारा था, और नाथुराम गोडसे को मानने वाले कौन लोग हैं, ये किसी से छिपा है क्या, तमाम बातें नीतीश कुमार ने एक एक करके कही हैं। वहीं अपने विरोधियों को भी चेताया है, आप दूसरे वाले वीडियो में जा के देख सकते हैं, इससे पहले वाले लाइव स्ट्रीम पे ही हमने वीडियो लगाया है, नीतीश कुमार का जो पूरा बयान आया है आज का, खूब विरोधियों पर बरसे हैं, क्या कुछ कह रहे थे वो पूरा वीडियो भी आप देखिए। इस वीडियो में हमने आपको बताया है हिंदू राष्ट्र बनाने के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने कैसे जवाब दिया है, क्या कहा है, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, धन्यवाद।